जानकारी करेंगे उत्तर प्रदेश का। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अलीगढ़ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन का जबरदस्त विकास कर रही है। इस दौरान अमित शाह ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 5 विधानसभा चुनाव होने हैं और सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य है चर्चाओं में है उत्तर प्रदेश की पूरी कमान जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली हुई है। आज भी अखिलेश यादव और कांग्रेस को कुल कर निशाना साधा। भाइयों बहनों बताओ, आलू कभी फैक्ट्री में होता है? जिसको ये मालूम नहीं है आलू फैक्ट्री में होता है या खेत में उगाते जमीन के ऊपर है जमीन के नीचे होता है। अब वो कहने लगे कि हम किसान का समाधान कर सकते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी देश के 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल 6,000 रुपया डायरेक्ट अकाउंट में भेजने का काम किया है। मित्रों, लाखों अनाज और एमएसपी पर खरीदने का काम नरेंद्र मोदी। अब ये अन्न की पोटली लेकर निकलते हैं अखिलेश जी, अगर ये कोई नई पार्टी के लिए तो हम मान ले, आपकी तो कई साल सरकार रही है, आपकी रही, मुलायम सिंह जी की रही, कब खरीद की इसका हिसाब किताब लेकर आओ। जरा लाना चाहिए नहीं लाना, जोर से बोलो लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। मित्रों, भी किसानों का भला नहीं कर सकते, ये अपना भला करते हैं और भला नहीं। उत्तर में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की आंधी है, योगी जी में जिस तरह कानून का राज स्थापित, जिस तरह सुशासन है, जिस तरह उत्तर प्रदेश में उद्योग और रोजगार इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, दुनिया की कोई सरकार को आने से रोक नहीं, क्योंकि इंजन की सरकार है। मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश के भारतीय अपार बहुमत से सरकार बनाई।